अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं फाख्ता का सालन। बेसिकली ये फाख्ता जो है ये ऐसे ही नहीं आ गई, ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनको शिकार का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो शिकार करने जाते हैं और ये शिकार करके आ जाएँ, उसको उन्होंने छीला है, पर वगैरह छीले हैं, ये अभी छील के जी ये रखी हुई है, ठीक है, इसको छील के तो धो के ये रखी हुई है। और ये इसके मिसाले की फुल तैयारी है, अब इसका हम सालन बनाएंगे। और ये जो है इनका ख़ास है कि ये इसको आग के ऊपर सेक देकर, तो ये इसके जो बकाया कुछ पर हैं ये जलाते होते हैं। तो अभी मैं आपको इसका तरीका दिखाती हूँ लाइव, ठीक है। ये देखिए, अभी इसको आग पे जो है थोड़ा सा सेक देंगे चारों तरफ से, ताकि इसके जो पर लगे हुए हैं वो भी जल के ख़त्म हो जाए। इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू का टेस्ट भी आ जाएगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। अभी प्याज हमने फ्राई करने के लिए रख दें, हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें अब हम ये फाख्ता डालेंगे। अब इसमें जो लहसुन अदरक था वो कूटा था, उसमें गरम मसाला भी कूटा था, वो साथ डाल दिया। लहसुन अदरक और गरम मसाला डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और अच्छा जी, जो लहसुन ज़रा जब भून गया तो इसमें ये पानी डाल दिया, पानी डाल के ज़रा इसको प्रेशर देंगे, क्योंकि फाख्ता जो होता है वो काफ़ी सख्त होता है, उसका कोर्स उसको प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें पानी डाल दिया और इसको ज़रा 15 मिनट का पूरा प्रेशर देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे इसका बताऊँगी। ये अब इसको 15 मिनट का प्रेशर आ गया है, फाख्ता अच्छे से गल गई है। अब इसमें हमने डाले हैं टमाटर, अब टमाटर डाल के भूनेंगे और अब इसमें डालेंगे नमक, मिर्च और हल्दी टेस्ट के मुताबिक। ये डाल दी मिर्च 1 चम्मच जितना, एक चम्मच नमक, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी। गरम मसाला पहले ऐड कर लिया, अब ये डाल के इसको भूनना है। भून के इसका पानी खुश कर लेना बिल्कुल, टमाटर भी गल जाए, फिर मैं आपको इसका आगे दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब ये टमाटर जो है भून गए हैं, भून के अब इसको अच्छी तरीके से, इसका आयल भी निकल आया है, इसको भी हमने थोड़ा सा और खुश करना है। ये अब रेडी हो गया, इसका ऑयल भी निकल आया है, इतनी ग्रेवी काफ़ी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जी डिश आउट हो गया, थोड़ा सा इस पे ये आखिर में धनिया और ये सब्ज़ मिर्च जो है गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल देंगे। रेडी हो गया है हमारी आज की डिश। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।